हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर, अगर पहले से हैं सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। आज हम आपको बताएंगे कस्टर्ड पाउडर से बर्फी कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 कटोरी चीनी, देसी घी 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे, पानी थोड़ा सा और कुछ ड्राई फ्रूट है, काजू और बादाम को क्रश किया हुआ हमने। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने चीनी डाल देनी है 1 कटोरी। इसमें लगभग 4 टेबलस्पून है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा टेबलस्पून है ये वाले। और इसमें हमने आधी कटोरी पानी डालना है, माप के पानी डालें, आधी कटोरी पानी डाल देंगे और इसको उबाल आने देंगे। में उबाल आ चुका है, अब हमने ये कस्टर्ड पाउडर है इसको दूसरे बाउल में डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे और इसका हमने घोल बनाना है। इस तरह से इसको चम्मच से घोल लें, अच्छी तरह से इसका घोल बना लें और गैस का फ्लेम हमने सिम कर देना है, बिल्कुल सिम कर दें। और ये जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया है इसको हमने चाशनी में डाल देना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी है, खाली उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद धीरे धीरे ये घोल डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम सिम ही रखेंगे। इस तरह से ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा कस्टर्ड हमारा। गैस को आपने सिम ही रखना है चाहे कितनी भी देर लगे। अब इसका जो है ट्रांसपेरेंट सा कलर होने लगेगा धीरे धीरे, इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस तरह से इसको चलाते जाएंगे। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालना है। इस तरह से 1 टेबलस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे हम। पूरा इसका ट्रांसपेरेंट कलर होता जाएगा धीरे धीरे चलाते हुए। ये बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना और बनाना भी बहुत आसान है। हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला, अच्छे से मिक्स हो गया। अब फिर से हमने 1 टेबलस्पून घी डालना है इसमें। इसमें लगभग 4 टेबलस्पून घी लगेंगे हमारे। इसको भी अच्छे से मिक्स होने देंगे, उसके बाद फिर से घी डालेंगे। ये बनते बनते एकदम इस तरह से गिरने लगेगा। इसको 15 से 20 मिनट तो लग जाते हैं भूनते भूनते। इसी तरह से इसमें घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स होने देना है। इसमें हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया, 3 चम्मच डाल चुके हम। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स होने देंगे। इसको इस तरह से ऊपर से गिराएंगे तो इस तरह से होता है। अब ये होने वाला, ये कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको। और हमने इसमें 4 टेबलस्पून घी डाल दिया है, अब और घी नहीं डालेंगे इसमें। अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, इसको चेक करेंगे। इस तरह से ये ऊपर से इस तरह से गिरने लगेगा। अभी तक इसमें थोड़ी सी कसर है, इस तरह से गिरने लगेगा। 5 मिनट इसको पका के गैस को हमने बंद कर देना है। और लास्ट में इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर दिया है, बैटर हमारा तैयार है। अब हमने एक थाली को ग्रीस किया हुआ, अब इसमें हमने ये डाल देंगे और इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर लिया इस तरह से, और 10 से 15 मिनट इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। बर्फी को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये सेट हो चुकी है। अब इसको हमने अपने मन चाहे आकार में आप इसको कट करने, इसके पीस काटने हैं, ट्रायंगुलर शेप में या चौकोर में, आप जिस तरह से भी आप कम अच्छा लगे उसी तरह से आप इसके पीसीज काट लें। इस तरह से कस्टर्ड की बर्फी खाने को तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप जरूर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।